बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होना है, ऐसे में सियारी पारा चढ़ चुका है और वर्चुअल रैली के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश शुरू की जा रही है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है और 9 सितंबर को रात 9:09 के लिए घर की लाइट बंद कर दीप दिया, मोमबत्तियां और लालटेन जलाने की अपील की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि बेरोजगार युवा साथियों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आहूत निजीकरण एवं प्रदेश में व्याप्त भयंकर बेरोजगारी के खिलाफ आज 9 सितंबर रात 9:09 के लिए घर की लाइट बंद कर दीप दिया, मोमबत्तियां और लालटेन जलाने की मुहिम का हम समर्थन करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव की इस मुहिम का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन किया है। अखिलेश ने कहा, मुट्ठियां जब बंद जाती हैं, नौजवानों की नींद उड़ जाती है जुल्मी हुक्मरानों की। आइए युवाओं व उनके परिवार की बेरोजगारी बेकारी के इस अंधेरे में हम आज रात 9:09 के लिए बत्तियां बुझाकर क्रांति की मशाल जलाएं, उनकी आवाज में आवाज मिलाएं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार को लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत से व्यवसायियों और छोटे व्यापार करने वालों का धंधा रोजगार बंद हो गया है, सरकार की ओर से भर्ती बंद कर दी गई है, कई साल से परीक्षा नहीं ली जा रही, नौकरियों और आवेदन फॉर्म की फीस के नाम पर सरकार ने अरबों रुपए वसूल कर पूंजीपतियों में बांट दिए। न्यूज़ डेस्क।